राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य की प्रत्याशी विभा चौहान ने बख्तावपुर वार्ड नंबर 5 की बकोली गांव में अपनी पदयात्रा की, जिसमें कि आपको बता दें कि विभा चौहान ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मिलकर गांव वालों से वोट की अपील की। साथ ही बताया कि आप इस बार अपने क्षेत्र में बदलाव के लिए वोट दें, क्योंकि पिछले आम आदमी पार्टी के आगे विधायक हैं और साथ ही एमसीडी के भी बीजेपी से निगम पार्षद रही है। उन्होंने क्षेत्र में ठीक से काम नहीं किया, लेकिन आप अपने क्षेत्र में सही से बदलाव लाने के लिए आप चारपाई के निशान पर वोट दें, जिसके बाद आप खुद ही यकीन करेंगे कि किस तरह बदलाव के बाद इस क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही गांव के लोगों ने भी कहीं ना कहीं उनसे ये समर्थन दिया कि हम आपके साथ हैं और आने वाले 4 तारीख को चारपाई के निशान पर ही वोट देंगे। ऐसे में सैकड़ों समर्थकों के साथ विभा चौहान ने घर घर जाकर वोट की अपील की। आने वाली 4 तारीख को चार पाई का निशान पर बटन दबाकर विभा चौहान को भारी मतों से विजयी बनाए। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं और एक बार राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी 5 नंबर वार्ड से हमारी बहन विभा चौहान जी हैं। हमारे 67 नंबर वार्ड से अमरचंद जी हैं, जो कि रिजर्व सीट है, SC समाज से हैं और बहुत ही ये समाज सेविक हैं। उस क्षेत्र के अंदर बहुत समय से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और सभी जाति धर्म के जो लोग हैं वो अमरचंद जी से भी जुड़े हुए हैं और पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। कितनी उम्मीदें हैं, कितने कैंडिडेट आपके जीत कर ला सकते? देखिए, मुझे तो विश्वास है कि हम 6 के 6 हमारे प्रत्याशी जो है भारी बहुमत से जीतेंगे। हमारी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ाएगी जिसके लिए हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि भाई ये जीतने के बाद समाज के साथ रहेगा, समाज के लिए काम करेगा। क्योंकि हमें उनका, जब हमने उनसे बातचीत करी, जिन लोगों के BJP ने टिकट काट दिए थे या कांग्रेस ने काट दिए थे, तो हमने ये महसूस किया कि ये लोग समाज की सेवा से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग व्यापारी लोग हैं, कभी उनसे टिकट मांगते हैं, कभी उनसे मांगते हैं और इनका मकसद सिर्फ सीट हासिल करके बिजनेस करना है। हमारी एक जो प्रत्याशी हैं सुनीता राघव जी, जो कि 28 से तो वो भी BJP की जिलाध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, उनका टिकट भी काटा BJP ने, तो वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। उनके लिए हम इसलिए एग्रीड हुए चुनाव लड़वाने के लिए क्योंकि 30 साल से वो समाज के लिए सेवा कर रही थी और समाज ने, लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छी महिला हैं, ये अच्छा काम यहाँ पे कर रही हैं, तो इनको मौका मिलना चाहिए। तो हमारे 6 के 6 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं, ऐसे मेरे को विश्वास है।